तो अगली खबर भिवानी से, जहां एचएसईबी ने एचटेट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। एचटेट 2023 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। एचएसईबी के चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट जारी किया है। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन का भी बयान सामने आया। 2 और 3 दिसंबर को प्रदेश भर में एचटेट की परीक्षा हुई थी। 2,52,028 भावी अध्यापकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा में 22,869 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे थे। तो चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी जानकारी साझा की है। बताया कि परीक्षा में 13.52% भावी अध्यापक पास हुए हैं। इसके अंदर कुल 2,29,223 जो कैंडिडेट थे वो प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 30,997 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर कुल पास परसेंटेज है 13.52 रही है और इसके अंदर 19,959 महिलाओं ने पास किया है इसे और 11,337 पुरुषों ने इस परीक्षा को पास किया है और 32 ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये परीक्षा दी और उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पास हुआ है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके हमारे पास काफ़ी सारे प्रतिवेदन आए थे, जिसमें बच्चों में रोष भी था, डाउट्स भी थे, जिसको देखते हुए हमने मॉडरेशन भी किया है। तो मैं बताना चाहूँगी, विदाउट मॉडरेशन जो हमारा रिजल्ट बन रहा था वो था 10.67%। उसके बाद हमारा पास परसेंटेज बढ़ा है, जो कि आया है 13.52%। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 11-1 PRT में 1,822 स्टूडेंट को फायदा हुआ है मॉडरेशन से। Level 2 जो कि TGT का है, उसमें 3,224 स्टूडेंट को फायदा हुआ है मॉडरेशन के कारण और Level 3 में हुआ है 1,496 कैंडिडेट को। टोटल मिला के 6542 स्टूडेंट्स को इस मॉडरेशन से बेनिफिट हुआ है।